कुछ एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें बार बार जाना पसंद होता है, क्योंकि हमें वहाँ पर मिलता है अपनापन और सुकून। और इसी सुकून की तलाश में एक बार फिर से हम निकल चुके हैं एक नई जर्नी पे। तो यहाँ पर हमारा अक्सर आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज है साल का आखिरी सप्ताह और मंगलवार, और आज हम जाने वाले हैं माता चिंतापूर्णी और बगलामुखी जी के दर्शन करने के लिए, ताकि आने वाला साल हमारे लिए सुकून लाए। तो हम थोड़े से लेट हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि टाइम लगभग 12:00 बज चुका है, और जितनी हम जल्दी यहाँ पे पहुँचते उतनी जल्दी हम फ्री होने वाले थे। पहुँच चुके हैं जी चिंतापूर्णी हिमाचल प्रदेश, और यह जी टेंपल, इस साइड भी है गेट, इस साइड भी है। मंदिर के चारों ओर ना ऐसी दुकानें हैं जो मिलने वाली हैं, यहाँ पर प्रसाद वगैरह मिलता है, और जो श्रद्धालु आते हैं जूते वगैरह भी अपने यहाँ पर खोलते हैं और साथ में इन दुकानों से प्रसाद लेते हैं, फिर टेकते हैं माथा। चारों ओर मिलेंगी ऐसी दुकानें। इस टेंपल के बाहर ना ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी दुकानें जहाँ से प्रसाद मिलेगा आपको, और जूते वगैरह आप वहाँ पे खोल सकते हैं, जैसे हमने खोला यहाँ पे। तो अभी शायद आरती का समय है, इसलिए यहाँ पे जो बैठना पड़ेगा हमें, और उसके बाद जब द्वार खुलेगा फिर हम चलेंगे यहाँ से। समय हो चुका है, 2:00 हैं, ये हमारी गाड़ी लगी हुई है, और अभी हम जल्दी से इसमें बैठ के जाने वाले हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, माता बगलामुखी जी के टेंपल में। और अभी यहाँ से लगभग 1.5 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में, मतलब वापस जाते जाते शाम होने वाली है। तो फाइनली 30-35 मिनट ट्रैवल करने के बाद अभी पहुँच चुके हैं हम माता बगलामुखी जी के टेंपल में। तो फाइनली गाइस गाड़ी पार्क हो चुकी है बगलामुखी माता टेंपल की पार्किंग में, और अभी हम टेकेंगे यहाँ पर माता चिंतपूर्णी के बाद माता बगलामुखी टेंपल में। जागता जी प्रसाद लो, फिर ठीक है, जागता जी प्रसाद लो। पहले माता चिंतापूर्णी के वहाँ गए थे, तो हम काफ़ी देरी से यहाँ पर पहुँचे हैं, इसलिए भीड़ यहाँ पर इतनी भी नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। पहले जब आया करते थे जल्दी से मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, तो उस समय यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है, काफ़ी खुला होता। अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है हमें यहाँ पर, बिल्कुल 2-4 मिनट के जो भीड़ के बाद है जो माथा टेक पाएंगे। फोटो खिंच मेरी तो
प्रसाद लिया था जो हमने यहाँ से माता देखने के बाद इसे खाएंगे। गाइस अभी ना लंगर खाना है यहाँ पे। लंगर खाना? हाँ मैं सोचा लंगर खाना। देवभूमि हिमाचल में ना चारों ओर ऐसे बहुत सारे टेंपल हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी लोकेशन है, तो एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल रहता है यहाँ पे। ये कितने की है भैया? 100 ग्राम है। खत्म है भाई, फिर आओगे फिर देना बस। माता रानी तुम बुलाती रहे, सब करो चल मुड़े भी तुम खिलानी, लेकिन खत्म हो गई है। तो बंदे के पास ये लास्ट बची थी, उसने हमें फ्री में दे दी। हम वैसे पैसों भी लेने गए थे, तो अभी चेक करने के लिए उसने दिया हमें, और अभी खाएंगे हम इसे। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है ये, नहीं पैकड है ये पहले की। खा लो जी, खा लो फ्रूट चाट। लंगर तो हमने यहाँ पर नहीं खाया है, लेकिन अभी आगे जाके है कुछ खाने वाले हैं। हम खाने वाले हैं जो हिमाचल में फेमस होता है आजकल, जो किम्ब की चाट बनाई जाती है, उसे हम खाएंगे रास्ते में। यहाँ कभी मिल यहाँ कहीं हमें मिलेगा। दे रहे भाई, क्या हो गया? तो ये है जी वो किम्ब, किम्ब जिसे बोला जाता है हिमाचल में, और इसकी जो चाट यहाँ पे बनवाएंगे, साथ में मैं जो पीने वाले हैं ताज़ा ताज़ा संतरे का जूस, 50 रुपये का ये गिलास है। कट के अरदास कर लो, पहले बाद निकलना नहीं, अरदास कर लो कट के। हाँ जितना मर्जी, जितना सही लगता है, अरदास कट के खाने हैं। पर सिलाई नहीं होनी चाहिए, सही थोड़ा घट लाया गुद्दा, उतना जो गुद्दा माड़ा माड़ा लाया, वो दूजा खट्टा है ना एक कहता। इतने खाना गड्डी च थोड़ा तो इसे देखकर ना हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। तो ये थोड़ा टेस्ट के अनुसार हमारे बना नहीं, तो फिर से हमने उनसे जो वहाँ पर ना इसमें चीनी वगैरह ऐड करके बनाया है, तो ये अभी हमें टेस्ट लगने वाला है। अभी खाएंगे इसे जल्दी से, और मुंह से पानी है ना जो अभी टपकने वाला है। दूजा बचा हेलो। कहाँ गए थे आप? चिंतपुर्णी गए थे, बंगलामुखी गए थे, बड़ी है सब।
आ जाओ चाय पी लो। बस चाय नहीं पियेंगे अभी।